हेलो फ्रेंड्स, 12th रेगुलर बैच सीजन 1 एपिसोड 5 चार्ज के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज भी खत्म कर दी है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पिछली आप चार वीडियोस देख के आइए। आफ्टर दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। 12th का पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। हम लोगों ने बात कर ली है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं क्वांटाइजेशन के ऊपर, और क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज की दो थ्योरीज पे हम लोगों ने छोड़ा था, क्लासिकल थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। उससे पहले डू सब्सक्राइब ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से चार्ज दो टाइप का होता है, जो हमें अच्छी तरह से पता है, हम लोगों ने सुना है। कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये बताया किसने था? ये सबसे पहले ये जो बात बताई थी, ये बताई थी फिजिशियस ने, साइंटिस्ट ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको बोलेंगे? आप लोग फैमिलियर हो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला, या ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो। यू नो अबाउट द पॉजिटिव चार्ज एंड यू नो अबाउट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या होता है? किसी भी चार्ज का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा है, एक्सेस में है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में है कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में है तो उस पे आने वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, और उस बॉडी को बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में है तो उस पे आने वाले चार्ज को बच्चों बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रखता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में अगर वो है, तो उस पे आने वाले चार्ज को बोला जाता है नेगेटिव चार्ज, और बॉडी को क्या बोला जाता है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो क्या बोला जाता है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी के बेसिस पे, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए तो नेगेटिव चार्ज। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे पूरे फिजिक्स में यही हम लोग यूज करते हैं। विट्रियस और रेजिनियस वाज द क्लासिकल थ्योरी, लेकिन इनके ऊपर ही पूरा का पूरा आगे डिपेंडेंस रहती है, इसी थ्योरी को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, पॉज करके नोट कर लो। आप अपनी तरफ से डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो उसको पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, और जो बॉडी होती है उसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोला जाता है, और अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो उसको नेगेटिव चार्ज बोला जाता है, और जो बॉडी होती है उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ आई बात? तो चार्ज का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम चार्ज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं कूलम। अब हम बात करेंगे चार्ज के जो यूनिट्स हैं, चार्ज की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स ऑफ चार्ज। हम लोग इसकी एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, और इसकी डायमेंशंस भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चार्ज एक डराइव क्वांटिटी है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर चार्ज एक डराइव क्वांटिटी है बच्चों, तो कैसे आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो? हम लोग करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = Q/T। ये फिर से आएगा लेकिन आगे के लेक्चर्स में। तो Q = यहां से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? IT। I की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ये आप जानते हो अच्छी तरह से, और T की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो चार्ज की जो SI यूनिट है या MKS यूनिट है वो क्या बनेगी? वो बनेगी
एम्पियर सेकेंड। चार्ज की जो एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है बच्चों वो क्या बनेगी, एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को बोला जाता है कूलम, COULOMB, कूलम। ठीक है, इसको कई बार कूलम भी बोल देते हैं, कूलम भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चार्ज के आगे आपको जनरली सी लिखा हुआ मिलता है, सी का मतलब यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, कूलम रहता है। तो चार्ज की एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट क्या होती है, या तो आप एम्पियर सेकेंड यूज कर सकते हैं या कूलम यूज कर सकते हैं। डन, इतना आप नोट कर सकते हैं। बाकी यूनिट्स की हम बात करते हैं चार्ज की, याद रखिएगा कूलम। देखिए चार्ज बेसिकली हो सकता है कूलम में है तो मिली कूलम में मेजर किया जा सकता है, माइक्रो कूलम में मेजर किया जा सकता है, मेगा कूलम में, किलो कूलम में, वो जो प्रीफिक्स हैं फिजिक्स के, किलो, मेगा, माइक्रो, उन सब का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट कूलम उसमें हमेशा कॉमन रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये एक बार नीट के अंदर पूछी गई थी, चार्ज की सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखिए चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम। क्या होती है, स्टैट कूलम। ये स्टैट एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकल के आया है, तो स्टैट कूलम होती है। रिलेशन क्या होता है, एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, इतने स्टैट कूलम होते हैं, एक कूलम में इतने स्टैट कूलम होते हैं, याद रखिएगा। स्टैट कूलम के और भी नाम है, स्टैट कूलम का एक नाम और है ESU, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक नाम और है फ्रैंकलिन, क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैंने बोला था ना, वहां से एक नाम आता है फ्रैंकलिन। और एक्चुअली द फैक्ट इज ESU या फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम, बेसिकली ESU या फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम बेसिकली चार्ज की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मानी जाती है। क्या मानी जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मानी जाती है। ESU या फ्रैंकलिन क्या मानी जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मानी जाती है। अगर हम इस चीज को सॉल्व करके एक ESU की वैल्यू निकालते हैं या एक फ्रैंकलिन की वैल्यू निकालते हैं या एक स्टैट कूलम की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि तीनों सेम ही चीज है, स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन, ESU, अगर हम इनमें से एक स्टैट कूलम, एक ESU और एक फ्रैंकलिन की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी बच्चों को, यहां से आप निकालेंगे 1 ESU, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, तो ये आएगा 0.3 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, क्या किया, स्टैट कूलम रखा, इसको इसमें डिवाइड किया, 1/3 0.3 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये याद रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है कि ESU है, अगर ESU में है तो कूलम में कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है, तो इस छोटी सी बात को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में कहीं बड़ी बात ना बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली एक कूलम क्या होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन, ESU कंसीडर किए जा सकते हैं, ESU की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, फ्रैंकलिन की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। क्लियर, पॉज करके इतना नोट कीजिए। चार्ज की एक और यूनिट में डिस्कस करूंगा, MKS हो चुकी है, CGS हो चुकी है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो चुकी है चार्ज की। अब हम बात करते हैं चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट की, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है बच्चों फैराडे। क्या होती है, फैराडे। आगे के चैप्टर्स में जाके एक फैराड टर्म भी आएगा, तो फैराड और फैराडे अलग अलग है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। फैराड किसको रिप्रेजेंट करेगा वो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, फैराडे किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो फैराडे क्या है, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। इसका सबसे ज्यादा यूज कहां करोगे, केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज करोगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो बेसिकली उसके अंदर हम फैराडे का यूज करेंगे, और फैराडे में रिलेशन अगर देखा जाए तो 1 फैराडे इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है, 96500 कूलम, ये अप्रोक्सीमेट रखा है, 400 समथिंग होता है, हम लोग इसको ये वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज किया जाएगा। तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या हुई, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट हुई फैराडे, 96500 कूलम, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आता है ये कंसेप्ट। क्लियर, तो ये कुछ यूनिट्स हैं चार्ज की, हमने सबसे बड़ी यूनिट देखी, सबसे छोटी यूनिट देखी, एमकेएस यूनिट देखी, सीजीएस यूनिट देखी। अदर यूनिट्स के अंदर माइक्रो कूलम, ओके, मिली कूलम,
मेगा कूलम, किलो कूलम, इनको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता ही है, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बच्चों? फैराडे होती है। 1 फैराडे इज 96500 कूलम। गेटिंग माय पॉइंट? चलें आगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, हम यूनिट्स की बात कर ली है तो डायमेंशंस को कैसे छोड़ें, तो हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ चार्ज। डायमेंशंस ऑफ चार्ज, तो देखिए डायमेंशंस निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। देखिए करंट और टाइम दोनों ही एमकेएस क्वांटिटीज है या दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। करंट और टाइम दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो हम जब डायमेंशन लिखेंगे चार्ज की तो मास इसमें आ नहीं रहा, लेंथ आ नहीं रही, टाइम एक बार आया और करंट एक बार आई, तो एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है एम जीरो एल जीरो टी वन आई वन, और कई बुक्स में कई बार क्या हो जाता है, हो सकता है ये ऑप्शन भी ना हो, आपके पास कई बार ऑप्शन होता है M0 L0 Q1। ये MKS Q सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? MKS Q, जिसमें करंट के बजाय किसको कंसीडर कर लिया जाता है? चार्ज को कंसीडर कर लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं MKS Q सिस्टम। तो M0 L0 Q1 आप यहां पे लिख सकते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके पास आप उस पर टिक कर देना। अगर आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो तीनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। यूनिट क्लियर हुई चार्ज की, डायमेंशन क्लियर हुई, अब आगे मूव करते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आगे मूव करते हैं। देखिए हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था चार्ज कंजर्वेशन का। मैंने बोला था कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, और ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करने के कुछ तो मेथड रहे होंगे। ऐसे तो है नहीं चार्ज को बोला चल तेरे को उठाया इस बॉडी पे रख दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। चार्ज को ट्रांसफर करने के कुछ तो मेथड रहे होंगे, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, चार्ज को ट्रांसफर करने के एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कितने मेथड्स होते हैं? तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड होता है फ्रिक्शन या रबिंग। दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों? कंडक्शन। और तीसरा मेथड क्या होता है? इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन? देखिए इंडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां पे जो इंडक्शन हम यूज करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक अलग कहानी है, वो हम आगे जाके चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। मेरी बात समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि तीन मेथड्स हैं चार्ज को ट्रांसफर करने के। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड हमारे पास है फ्रिक्शन या रबिंग, दूसरा मेथड है कंडक्शन, और तीसरा मेथड क्या है बच्चों? इंडक्शन। तीन मेथड्स हैं। अब इसमें से किस मेथड को कब यूज करना है इसकी भी कंडीशन है, इसकी भी कंडीशन है। इतना नोट कीजिए, हम लोग फ्रिक्शन से शुरू करेंगे कि फ्रिक्शन या रबिंग को कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। देखिए फ्रिक्शन को यूज कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन वी हैव टू अनचार्ज्ड बॉडीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्रिक्शन या रबिंग को कब यूज किया जाता है? जब आपके पास दो अनचार्ज्ड बॉडीज है। अनचार्ज्ड बॉडीज का मतलब दोनों ही न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, ये दोनों अभी अनचार्ज्ड है। मैं क्या करूंगा? फ्रिक्शन या रबिंग ये समझ गया कि रगड़ना पड़ेगा, मैं इन दोनों को रगड़ूंगा। मैंने कुछ टाइम तक रगड़ा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे इनको मैं रब करता रहा। रब करने के बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका पता कैसे लगेगा? इलेक्ट्रोस्कोप से पता लगेगा, इलेक्ट्रोस्कोप हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब पहले दोनों क्या थे बच्चों? न्यूट्रल थे। दोनों पे जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। एक पे पॉजिटिव आया, एक पे नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ? एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए और दूसरे को इलेक्ट्रॉन मिल गए। तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आया। एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गए और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन आ गए। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बोला गया, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आ गए उसको नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोला गया। तो इस तरह से हमने दो अनचार्ज्ड बॉडीज को क्या दे दिया?
चार्ज दे दिया, यही होता है रबिंग, यही होता है फ्रिक्शन। इसका बहुत जनरल एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कोम्ब वाला एग्जांपल दिया था कि कोम्ब को आप सूखे बालों पे रगड़ोगे तो वो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पहले दोनों अनचार्ज थे, जब आपने रब किया तो एक पे चार्ज आ गया, दूसरा अनचार्ज, दूसरे पे दूसरा चार्ज आ गया, तो दोनों ही बॉडीज क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो रबिंग में क्या होता है, दोनों अनचार्ज बॉडीज कॉन्टेक्ट में आती है, काफी देर तक रब होता है, रब होने के बाद एक बॉडी पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसका पता किससे लगता है, इलेक्ट्रोस्कोप से। ओके, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो रबिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू अनचार्ज्ड बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, आर रब्ड विद ईच अदर, ईच अदर, देन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल अदर वन गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, अदर वन गेट्स नेगेटिवली चार्ज। ये होता है रबिंग के अंदर। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने का रीजन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है रबिंग या फ्रिक्शन। बात समझ आई आपको? तो फ्रिक्शन और रबिंग बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, दो बॉडीज पकड़ेंगे, दोनों अनचार्ज होंगी, जब दो अनचार्ज बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा, रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उछल उछल के दूसरी बॉडी में जाएंगे, जिसमें से निकले उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस पे गए उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और बॉडीज क्या हो गई, हमारी चार्ज हो गई। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है, उसको समझते हैं। ये पूछा जाता है, इसको नोट करिएगा, पॉज करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पूछा जाता है क्या कि जब रबिंग होती है दो बॉडीज की, फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, क्या उनमें मास भी ट्रांसफर होता है, क्या इन दोनों को मैंने जब रब किया तो मास भी ट्रांसफर होता है? तो आंसर इज यस। कैसे? आंसर इज यस, बट इतना कम ट्रांसफर होता है कि वो नॉट कंसीडरेबल होता है, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि दो पांच पांच किलो की चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, आपने उनको रब किया, रब करने के तीन घंटे बाद एक हो गई दो किलो की और एक रह गई सात किलो की, आठ किलो की, समझ रहे हो, आधा मास, आठ किलो उसके पास हो गया, दो किलो, ऐसा नहीं। रबिंग में बिल्कुल मास का ट्रांसफर होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। रीजन क्या है? तो आंसर क्या आएगा, देयर विल बी, सुनिए ध्यान से, देयर विल बी स्लाइटली मास ट्रांसफर अलोंग विद चार्ज ट्रांसफर, अलोंग विद चार्ज ट्रांसफर। कैसे? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, कितना होता है, बिकॉज एम इक्वल्स टू 9.1 into 10 power raised to minus 31 kg, इतना मास होता है हर इलेक्ट्रॉन के पास। तो अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 10 किए, 50 किए, 100 किए, जितने भी किए, उतने टाइम्स मास भी गया, लेकिन ये जो पावर है ना 10 power raised to minus 31, ये वाली जो पावर है, ये वैल्यू ना बहुत छोटी है। इस छोटी सी वैल्यू की वजह से उस मास का पता नहीं चलता। आपने मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर किए, 100 इलेक्ट्रॉन्स भी, तो 100 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 10 power raised to minus 29 आ जाएगा यहां पे। तो क्या 10 power raised to minus 21 will create a difference? नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि माइनस 29 बच्चों बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर हमसे कोई पूछता है क्या रबिंग या फ्रिक्शन के अंदर मास में चेंज आता है, our answer will be yes, but it is negligible or not considerable because mass of an electron is very low. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से मास पे कोई ज्यादा डिफरेंस होने को देखने को नहीं मिलता। बट यस, देयर विल बी स्लाइटली मास ट्रांसफर अलोंग विद चार्ज ट्रांसफर बिकॉज एम इक्वल्स टू दिस। क्लियर? हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस ड्यू टू वेरी लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
द मास ट्रांसफर इज नॉट कंसीडरेबल, इज नॉट कंसीडरेबल ड्यूरिंग ड्यूरिंग फ्रिक्शन या रबिंग। ठीक है, समझ आया फैक्ट, अच्छी तरह इसको समझिएगा। तो फ्रिक्शन या रबिंग के बारे में बच्चों तीन फैक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट क्या है कि ये होती कब है, जब दो अनचार्ज्ड बॉडीज आपस में रब करती हैं, किसी के पास भी चार्ज नहीं है और दो अनचार्ज बॉडीज आपस में क्या कर रही है बच्चों, रब कर रही है, तब ये फ्रिक्शन होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, रब करने पे एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, एक के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तीसरी चीज, क्या इसमें मास ट्रांसफर होता है, आंसर इज यस होता है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, वेरी लो होता है, उसकी वजह से जो मास ट्रांसफर है वो इतना कंसीडरेबल नहीं होता। बट अगर हमें बोले होता है, बिल्कुल होता है। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी है, उन्होंने पूछा है कि कितना मास ट्रांसफर होता है, वो हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार सच में मास ट्रांसफर तो होता है, बट वैल्यू कितनी होती है वो हम आगे उस न्यूमेरिकल से फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन गया इतने निकले, हजार गए तो इतना हजार से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 गए तो 5000 से मल्टीप्लाई। क्लियर, होप कि आपको पहला मेथड चार्ज ट्रांसफर का समझ आया होगा। हम लोग मूव करते हैं दूसरे मेथड की तरफ चार्ज ट्रांसफर के। इतना आप लोग पॉज करके नोट कीजिए और अच्छी तरह इनके नोट्स बनाइए, कॉपी पेन साथ रखा करो, नोट्स बनाया करो, दैट विल बी वेरी 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 जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना अच्छा आपका स्कोर होने वाला है। नंबर टू, सेकेंड मैथड, कंडक्शन। कंडक्शन ये धीरे 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 अपने आप को ग्रो करता है, ये टॉपिक अभी बहुत कम पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा और जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा तो यू आर गोइंग टू सी कि कंडक्शन तो बहुत अच्छा टॉपिक बन चुका है, कंडक्शन एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक बन चुका है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी बड़ी स्लो होती है, लाइक टर्टल। ठीक है, एक कछुए की तरह, टर्टल की तरह ही चलता है बेसिकली, बहुत कम स्पीड से चलता है लेकिन धीरे धीरे अपने आप को ये ग्रो करता जाता है। कंडक्शन बेसिकली प्लेस कब होगा, कंडक्शन होने के लिए इसका यूज कब किया जाता है, जैसे पिछले मेथड का यूज कब करते थे, जब दो कौन सी बॉडीज थी बच्चों, अनचार्ज बॉडी थी, तो ये कब यूज करेंगे, व्हेन टू चार्ज बॉडीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर आप समझते हैं, कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा फ्लो हो जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट ना करे फ्लो होने दे। तो दो चार्ज बॉडीज को जब एक कंडक्टर से हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तब चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए दो बॉडीज हैं ए और बी। ठीक है, इनिशियली दोनों के पास मान लीजिए कुछ ना कुछ चार्ज था, इसके पास भी कुछ चार्ज था, इसके पास भी कुछ चार्ज था, एक इसको मैंने किया ट्रांसफर इधर, मैंने कनेक्ट कर दिया वायर से, कंडक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, इसको आप ना बिल्कुल वैसे समझ सकते हो जैसे हीट ट्रांसफर होता है, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर लो है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है, या इसका हम टेम्परेचर हाई रख लेते हैं, हाई टेम्परेचर, मैं आपको हीट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर लो रख लेते हैं। अब आपको पता है कि जब आप इनको कनेक्ट करोगे किसी कंडक्टर से, तो यहां से टेम्परेचर या हीट बेसिकली फ्लो होती रहेगी, हाई से लो की तरफ हीट फ्लो होती रहती है। कब तक होती रहती है, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए बच्चों, सेम हो जाए, जब तक टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। सेम टू सेम चार्जेस के केस में भी होता है, बस फर्क ये रहता है जैसे वहां पे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मोशन होती है, चार्जेस के केस में हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। और ये कब तक होता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बिल्कुल वही फिनोमिना है, वही फिनोमिना है जो हम कहां पढ़ते थे, जो हम लोग थर्मल फिजिक्स में पढ़ते थे, हीट ट्रांसफर में पढ़ते थे। हीट ट्रांसफर में क्या होता था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का कंटिन्यूअसली क्या होता रहता था, ट्रांसफर होता रहता था। कब तक होता रहता था, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, दोनों किसमें ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। लेकिन अब क्या होगा,
यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज का कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो ये होता है कंडक्शन। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर रुक जाएगा। तो कंडक्शन के बारे में हम लोग एक चीज समझ सकते हैं क्या, कि जब आप बॉडीज को, चार्ज बॉडीज को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टर, तब बेसिकली चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्लियर, समझ आया? इतना पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको मैं लिख देता हूं, इतना आप नोट करिए, आगे हम लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, व्हेन टू चार्ज बॉडीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टर, देन ट्रांसफर ऑफ चार्ज takes place from high potential या high voltage to low voltage until the voltage of या potential of until the potential of both the bodies या objects becomes same। ठीक है, इस मेथड को हमने क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो ये कंडक्शन बेसिकली आपको एक समझना है, ये नोट कर सकते हो पॉज करके, कंडक्शन आपने एक समझना है कि बॉडीज का कनेक्शन होना जरूरी है। अब क्या होता है, कई बार ना कनेक्शन जरूरी नहीं है कि बीच में वायर ही लगाई गई हो, कई बार सिर्फ टचिंग से ही, टच करने से ही चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कई बार सिर्फ टच करने से चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। मान लो मेरे पास 15 कूलम की एक बॉल थी, 15 कूलम चार्ज था और 10 कूलम की दूसरा चार्ज था, मैंने दोनों को सिर्फ टच किया, तो टच करने के बाद मैंने देखा कि दोनों का चार्ज क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। अब जो कंसेप्ट है ना कि जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक ये चार्ज ट्रांसफर चलता रहेगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब तक, लेकिन इनिशियल लेवल पे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी जब हम कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारा कंडीशन क्या रहेगी, हमारी कंडीशन रहेगी, हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने ये मान के सॉल्व करना है कि चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक चार्ज सेम ना हो जाए हर बॉडी का, क्योंकि हमें अभी पोटेंशियल का आइडिया नहीं है। इनिशियल कंडीशंस में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम ये मान के चलेंगे कि जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। तो सॉल्व करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं करवाता हूं, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा उससे कैसे इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसको नोट करना। तो एक क्वेश्चन अपने कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मेरे पास तीन बॉडीज है, ठीक है, थ्री बॉडीज है मेरे पास, ए B and C। I have three bodies, A, B and C। A के ऊपर मेरे को चार्ज दे रखा है पर्टिकुलरली, A के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 100 कूलम, B के ऊपर दे रखा है बच्चों 300 कूलम और C के ऊपर दे रखा है -150 कूलम। ये तीन चार्जेस दे रखे हैं मेरे को, एक न्यूमेरिकल कंसीडर किया है मैंने, समझते हैं इसको। मेरे को बोला गया कि A touches B, then B touches C and then C touches A. What will be the final charge on each object after above 3 processes? This is my question. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। मैंने बोला मेरे पास A है, मेरे पास B है, मेरे पास C है, तीनों का चार्ज गिवन है। A B को टच करता है, B C को टच करता है, फिर C A को टच करता है। What will be the final charge on each object after above 3 processes? तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कंडक्शन का। क्लियर, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप सारी वीडियोस रिवाइज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड नंबर 6 के अंदर इसको सॉल्व करेंगे और ऐसा एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करेंगे और अगला जो चार्ज ट्रांसफर का मेथड है इंडक्शन, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड मेक द नोट्स। बाय।